ऑल राइट right, तो लास्ट क्लास में लास्ट आइडिया जो हमने देखा था दैट वाज पिचकू थ्योरम, राइट। पिचकू थ्योरम मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफॉर्म करो कि उसके एक किसी उसके सारे पार्टिकल्स का कोई एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज नहीं कर रहे हो डिफॉर्मेशन के दौरान, तो इसका मतलब क्या, वो वाला कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसका यूज करके अभी एग्जाम्पल देखते हैं, पैराबोलिक स्पैंड्रल है। पैराबोलिक स्पैंड्रल मतलब क्या, इसका ये जो प्रोफाइल दिख रहा है ये वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे लोकेट करना है। तो सोचो अगर इस पैराबोलिक स्पैंड्रल को मैं कोलैप्स कर दूं पूरे को एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इकट्ठे होंगे किसी भी जनरल एक्स पे दैट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, राइट, ठीक है नहीं। तो क्या बन जाएगा, एक ऐसी रॉड बन जाएगी जो एक्स टू द पावर टू के प्रोपोर्शनल इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। और याद करो मैंने क्या बताया था, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एल, ये मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए यही आता है ना, अगर एक्स टू द पावर एन के प्रोपोर्शन अगर मास डेंसिटी होती है तो अपने केस में क्या हो जाएगा, देखो तो एन इज इक्वल टू टू डाल दो तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस टू यानी थ्री बाय फोर, तो ये डिस्टेंस ए है, थ्री बाय फोर ए पे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वन। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया सभी को समझ में, ठीक है, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। इसके बाद मैं थियरम बताने वाला हूँ, ये यही के सिलेबस में तो नहीं है बट इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, तो आई थॉट आई शेयर इट विद यू। तो थ्योरम ऑफ, आप पता नहीं सो क्या प्रोनाउंस करते हैं, प्रोपोज प्रपोज आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, ठीक है। और एक्चुअली बाद में ये तो एक्चुअली ग्रीक था बंदा, और उसके बाद पॉल गुल्डिनस, ये यूरोपियन था बंदा, तो दोनों के नाम से कई बार थियोरम्स ऑफ प्रोपोज गुल्डिनस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो क्या है, पहली थियोरम क्या है हमारी, सरफेस एरिया ऑफ अ सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे ये मान लो ये कोई डीएल लेंथ है, ठीक है, अब इस डीएल लेंथ को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा देंगे तो कुछ ऐसे फ्रस्टम जैसा बनेगा, सरफेस ऑफ फ्रस्टम बनेगा, ठीक। तो इस फ्रस्टम का जो एरिया होगा वो फ्रस्टम का एरिया क्या होगा हमारा, यानी जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास जितना डिस्टेंस चला है इनटू इसकी लेंथ, यानी पूरा कर्व है अगर, तो ये डीएल, ये तो इनफैक्ट डीएल से हम एरिया ट्रेस दिखाएंगे, बाकी पूरा कर्व अगर हमने घुमा दिया, पूरा कर घुमा दिया तो ऐसे करके ऐसे कुछ हमारा बन जाएगा ना सरफेस ढोलक जैसा कुछ कुछ, ठीक है। तो उस ढोलक जैसा सरफेस जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी अगर मान लो वाई सी एम है, वाई बार जो है वाई सी एम, तो टू बाई वाई सी एम तो मेरा ये चलेगा क्या था, सेंटर ऑफ मास चलेगा, राइट, अगर पूरा मैंने स्वीप कर दिया, और इस कर्व की लेंथ एल है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू टू पाई वाई सी एम, ये मेरा थियरम है, ठीक है। इसका प्रूफ क्या, वो अभी प्रूफ देख लेते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आई, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका प्रूफ क्या है वो सिंपल है, देखते हैं। तो क्या लिखा, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फॉर प्रूफ सी द एडजेसेंट फिगर, इस फिगर को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या एरिया स्वेप्ट बाय लेंथ डीएल क्या होगा, ये डीएल लेंथ है, इसका एरिया स्वेप्ट क्या होगा, व्हाट विल बी टू पाई वाई इंटू डीएल, समझ में आ रहा है। इसको कट करके खोलोगे तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, विड्थ होगी टू पाई वाई, और ये स्लांट हाइट जो है वो उसकी ये वाली विड्थ बन जाएगी, लेंथ भी टू पाई वाई हो जाएगी और ये डीएल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, टू पाई वाई इंटू डीएल, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू पाई वाई इंटू डीएल, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एल से मल्टीप्लाई करता हूँ और एल से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टू पाई एल तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और इंटीग्रल वाई डीएल अपॉन एल लिख दिया, राइट। अब इंटीग्रल वाई डीएल अपॉन एल क्या, ये तो सेंटर ऑफ मास जैसा ही है ना एक तरह से, अगर मान लो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की वायर है तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। एक्चुअली अगर लेंथ के हिसाब से देखते तो सेंट्रॉइड बोल देते हैं, बट समझ में तो आ ही रहा होगा, अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की वायर होती है तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाता है, अज्यूमिंग दैट वायर इज यूनिफॉर्म, तो ये क्या हो गया, टू पाई वाई बार इंटू एल हो गया, राइट। वाई बार क्या, मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, हियर वाई बार इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द कर्व, समझ गए। अब इसी के अंदर अगर मान लो पूरा टू पाई रोटेशन नहीं दे रहे हो, मान लो पार्शियल रोटेशन दे रहे हो, मान लो पाई का रोटेशन दे रहे हो, 30 डिग्री 60 डिग्री का रोटेशन दे रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे टू पाई की जगह थीटा आ जाएगा, जितने भी थीटा से रोटेट करो, राइट। तो क्या आ जाएगा, थीटा इंटू वाई बार इंटू एल, ठीक है। वाई बार क्या, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, ऐसे ही अगर वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर टू एवरीबॉडी, देखो समझ में आया थ्योरम वन, ओके। आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन व्हाट व्हाट इट मींस। फॉर एग्जांपल मान लो कोन है, तो कोन को सोच सकते हो कि ये मैंने एक स्ट्रेट वायर को ऐसे ऐसे करके स्वीप कर दिया, समझ गए, ओरिजिन के अबाउट समझो कि मैंने कोई वेक्टर बना लिया और उसको मैंने एक्स एक्सिस की ओर स्वीप कर दिया, तो स्वीप्स आउट अ कोन, एंड सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कोन, सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, सो माई क्लेम इज दैट आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन द स्वीपिंग प्रोसेस। तो अगर इसकी स्लांट हाइट एल है, इसका मतलब क्या है, ये एल बाय टू हो जाएगा, राइट, और वर्टिकल हाइट इसकी एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगी, दैट विल बी एल बाय टू एंड दैट विल बी साइन थीटा, राइट।
So 2 pi L by 2 sine theta will be the circumference, right? That I need to multiply by the this slant height. So that means what? The curved surface of area will become what? 2 pi into L by 2 sine theta into another L. And you can check, this should come out to be pi r L, because L sine theta is r only, right? समझ गया? तो पाई आर एल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, क्योंकि एल बाई टू था और टू पाई, तो वो खत्म हो गया, पाई आर एल आ गया। तो दिस जस्ट वन एग्जांपल, बट यू नीड नॉट हैव जस्ट स्ट्रेट लाइंस, यू कुड हैव एनी आर्बिट्री कर्व। फॉर एग्जांपल यू कुड स्वीप, जैसे कोई मटका होता है उसका प्रोफाइल कैसा भी हो सकता है, राइट? तो यू कुड टेक एनी आर्बिट्री कर्व एंड यू कैन स्वीप इट अराउंड एक्स एक्सिस, इट विल जनरेट सम प्रोफाइल कर्व, राइट? समझ में आई बात के लिए? फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का ग्राफ ले लो, साइन एक्स के ग्राफ को तुम घुमा दोगे तो कुछ ऐसा सरफेस एरिया जनरेट हो जाएगा स्वीप करने से। I want to find out the surface area of the swept curves. The surface area of the surface is generated by sweeping a curve. XY plane में कोई भी arbitrary curve ले लो, उसको x axis के ऊपर sweep करोगे, circular sweep दोगे, तो it will generate a surface. And I want to find out the surface area of that. तो ये theorem क्या बोलती है? उसका जो surface area होगा, क्या होगा? In the sweeping process, the center of mass will travel some distance, right? So distance traveled by the center of mass times length of the curve. That will be the surface area of the generated surface by revolution. Is the statement clear? Now I think the proof will also be clear. Suppose this length is dl and you sweep it through an angle 2 pi and its y coordinate is y. So that means what? So area swept will be what? So slant height is dl, and if you cut and open it, the strip, that will have the length 2 pi y. So 2 pi y into dl will become the surface area, right? That's what I've written, 2 pi y into dl. So total area will be what? Integration of this. Now you divide it by the total length and multiply by the total length. So what does this become? Integral y dl upon integral dl. That is basically center of mass coordinate, right? Assuming that it's a uniform y, right? If you want, you can multiply by lambda above and below, and lambda will cancel out. You can see that, to just to see that it's a center of mass, right? Lambda dl will become mass, and then lambda will become the total mass. So 1 upon m integral y dl, right? So area is 2 pi. Y bar is basically coordinate of center of mass, and into l is the length of the curve. Okay. Now, instead of rotating it through full 2 pi, suppose you are rotating only through an angle theta. So then, instead of 2 pi, you'll put a theta over there. Suppose you are not rotating it through full 360 degree. Maybe you are rotating it through 60 degree only. Then also, you'll generate some surface area, right? So instead of 2 pi, you'll put pi by 3 over there. Got it? So proof is also clear. इसके बाद हम देखते हैं second theorem, वो क्या है? वो volume से related है. अगर मुझे वॉल्यूम स्वेप्ट निकालना है, बेसिकली अगर मान लो कर्व को स्वीप कर रहे थे तो सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है, अगर मान लो मैं सरफेस कोई छोटे से पैच को अगर मैं स्वीप करूं तो वॉल्यूम जनरेट होगा. बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो, ये डी एरिया का पैच है, इसको अगर मैं स्वीप करता हूँ एक्स एक्सिस के बोर्ड, तो मेरे पास एक थिक रिंग क्रिएट होगा, तो उस थिक रिंग का भी तो कुछ वॉल्यूम होगा ना. और ऐसे मान लो ये पूरे के पूरे लैमिना को मैं रोटेट करता हूँ तो इट विल जनरेट अ सॉलिड, राइट? वो सॉलिड जो रोटेशन से जनरेट हुआ है या रेवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट हुआ, उस रेवोल्यूशन के सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा? तो वो क्या है, वो सेकंड थ्योरम ये कहती है कि वो इस एरिया का सेंट्रोइड जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. समझ गए? द क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी स्वीप कर रहे हो, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफेरेंस ट्रैवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, ये हम लोगों का वॉल्यूम होगा. तो इसका प्रूफ क्या? ये भी प्रूफ उसी की तरह से है, देख सकते हो ध्यान से क्या लिखा है. पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ वॉल्यूम जनरेटेड बाय स्वीपिंग अ लैमिनर एरिया इन द एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन में कोई फ्लैट एरिया है हमारा, उसको स्वीप कर रहे हैं. By revolving it about x-axis is the area of the lamina times the distance traveled by the centroid. Centroid का distance traveled into the area of the lamina, that's the volume. Okay. Proof के लिए क्या कर सकते हैं? मान लो ये मेरा dA area है, ठीक है? जिसका ये coordinate y है. Okay. तो small amount of volume generated क्या होगा? इसको cut करके खोलोगे तो cross section तो मेरा dA होगा और ये जो होगा 2 pi y होगा. तो इसका अंदर छोटी सी volume क्या हो जाएगी? 2 pi y into dA हो जाएगा. तो total volume इसी का integral 2 pi y into dA, right? तो क्या करो? इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, राइट? तो 2 पाई बार कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ए वाई डी ए, क्या हो जाएगा? ये तो वाई बार हो जाएगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. चाहो तो इधर मास पर यूनिट एरिया सिग्मा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 अपॉन एम इंटीग्रल वाई डी एम बन जाएगा. समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जितना घूम रहा है यूनिफॉर्म लैमिना अज्यूम करते हुए, ठीक है, ये तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, और ये क्या हो गया 2 पाई ए. तो 2 पाई इंटू वाई बार इंटू ए, तो 2 पाई इंटू वाई बार क्या हो गया? वो हो गया लेंथ ऑफ द कर्व ट्रेस बाय द सेंट्रोइड. समझ में आई बात की नहीं? पर यहाँ पे वापस अगर 2 पाई की जगह मान लो थीटा एंगल से घुमा रहे तो 2 पाई करेगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो y बार इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द एरिया. इफ इंस्टेड ऑफ 2 पाई रोटेशन इज थ्रू एन एंगल थीटा, तो वॉल्यूम स्वेप्ट क्या हो जाएगा? थीटा इंटू y बार इंटू a. तो सेकंड थ्योरम का भी प्रूफ समझ में आ गया ना? क्लियर स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों थ्योरम्स को? ठीक है, कोई डाउट है तो बोल सकते हो अभी.
जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तुम सोचो, स्फेयर को ही जनरेट करना, तो सेमी सर्कल को रोटेट करके स्फेयर जनरेट कर सकते हो ना, स्फेरिकल वॉल्यूम। अब सेमी सर्कल का तुम याद करो, 4r/3π पे आता है, राइट। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है सेमी सर्कल का? 4r/3π पे आता है ना। बेसिकली सर्कुलर वायर का 2r/π पे था और उसका 2/3 था मेरे सेमी सर्कुलर लामिना का, लास्ट क्लास में बताया था ना। 4r/3π पे इसका सेंट्रोइड आ गया। इसको क्या करो, तो इसका खुद का एरिया कितना है? ये एरिया है मेरा πr²/2, राइट। सेमी सर्कल का एरिया πr²/2, और इंटू क्या करोगे, इंटू ये कर दोगे 2π × दिस, राइट, इंटू 2π × 4r/3π। समझ में आया कि नहीं? अब ये देख सकते हो, ये तुम्हारे 4/3πr³ आ गया। तो समझ आया कि नहीं? तो सेमी सर्कल को स्वीप करके तुमने स्फेयर बनाया, तो वेरीफाई हो रहा है ना 4/3πr³। ऐसे ही तुम चाहो तो कोन के लिए वेरीफाई कर सकते हो, 1/3πr² आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, आई होप द थ्योरम इज मेकिंग सेंस, राइट। या फिर इसी तरह से अगर मान लो तुम्हें स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसको सेमी सर्कुलर वायर को स्वीप मान सकते हो। तुम अगर सेमी सर्कुलर वायर को स्वीप कर रहे हो, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? 2r/π पे होता है, ठीक है ना। 2r/π पे होता है ना इसका सेंट्रॉइड जो है, तो बस, तो 2π × 2r/π × इसका लेंथ विच इज पाई आर, वो देख लो, वो तुम्हारा 4πr² आ रहा है, करके देख सकते हो। समझ में आई बात के लिए? तो इस तरह से हम मतलब इसी सरकमफ्रेंस से हम लोग इसके रेवोल्यूशन का जो है स्फेयर का सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। समझ में आ रहा है ना थ्योरम का प्रूफ क्या है, ठीक है, और कैसे वर्क हो रही है? मैंने स्फेयर का सरफेस एरिया और स्फेयर का वॉल्यूम मैंने जनरेट करके बताया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अभी क्या, अभी मेरे पास एक टोरस है, ठीक है। टोरस क्या होता है? इस तरह से तुमने देखा होगा डोनट शेप जैसे, दिस थिंग इज कॉल्ड अ टोरस। तो टोरस को अगर तुम देखो तो इट्स अ बॉडी ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। ये ऐसे समझो एक डिस्क है, इस डिस्क को स्वीप कर दो जेड एक्सिस के अबाउट, देन यू विल जनरेट अ टोरस, राइट। तो अभी क्या होगा, अगर मान लो इस टोरस का सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि ये सरकमफ्रेंस जो है इसको रोटेट कर रहे हो, इधर तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर, कितने रेडियस में जा रहा है, तो वो 2πr सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इसकी खुद की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2πa। तो फिर अपने फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? 2πr × 2πa, ये मेरा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। सही बात समझ में? नहीं, इसी तरह से वॉल्यूम इसका निकालना है। अभी खुद से ट्राई कर लूँ, फिर मैं डिस्कस करूँ। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जनरेटेड बाय स्वीपिंग अ सर्कल एज डिफाइंड इन द एडजेसेंट फिगर। बेसिकली टोरस का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना, जल्दी से कर लूँ। हाँ, तो सिंपल ही है। वॉल्यूम के लिए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया πa² और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेंट्रॉइड इसका, क्योंकि इस सेक्शन का सेंट्रॉइड तो खुद इसके सेंटर पे ही है, राइट। तो आर डिस्टेंस पे, तो 2πr × πa², तो क्या आ गया? 2π²r² ये इसका टोरॉइड का, टोरस का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ओके। फिर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, जो ये 2πa ये है और ये स्वीप कितना कर रहा है? 2πr सेंट्रॉइड स्वीप कर रहा है, तो 2πr × 2πa, तो 4π²r है मेरा सरफेस एरिया आ गया। तो समझ में आया ना, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है, बट इट्स आई थॉट इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई जस्ट थॉट विल इंट्रोड्यूस। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ये एक राइट ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल को जेड एक्सिस के ऊपर स्वीप करेंगे, तो ऐसे करके ऐसे कुछ, समझ में आ रहा है? 3D में क्या कोई फिगर क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है? फिगर ऑफ रेवोल्यूशन क्रिएट होगा ना इस तरह से, इसको स्वीप करेंगे तो क्या पूछा है? इसका वॉल्यूम निकालना है अगर इसको मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है, ध्यान रखना पूरा 360 से नहीं रोटेट किया, किससे रोटेट किया? 180 डिग्री से रोटेट किया। तो अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर, जल्दी से करो ट्राई। इसके बाद हाँ, तो इसका क्या है, सिंपल ही है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? तुम्हें पता है ट्राइंगल का जो होता है 1/3 फ्रॉम द बेस होता है, राइट। तो ये अगर देखो तो इसको बेस मानो, तो इसका 60 mm तो मेरा बेस है, तो यानी इससे 20 mm पे हो जाएगा मेरे सेंट्रॉइड, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अपने आप में 30 mm है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रॉइड कितना कितने रेडियस में जा रहा है? वो 30 + 20 50 50 में जा रहा है, तो क्या लिखा? π × अच्छा चाहिए, ध्यान रखना 180 डिग्री घुमाया, पूरा 360 नहीं घुमाया, इसलिए पाई आया, राइट। π × 30 + 60/3, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कितना सेंट्रॉइड चल गया, ठीक है, और इंटू एरिया ऑफ दिस, तो एरिया गया 1/2 × बेस × हाइट, तो 1/2 × 60 × 60, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है तुम्हारा 90π³ ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो सरफेस एरिया पूछा होता है इस वॉल्यूम का जनरेटेड, तो फिर क्या करना पड़ता? मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बट मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सरफेस एरिया के लिए मुझे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, और वायर फ्रेम का करना पड़ेगा, समझ गए? ये सेंट्रॉइड से कंफ्यूज मत कर देना, वायर फ्रेम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए इस वायर को इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड, इस वायर को इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड, और इस वायर को इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानते हुए नया सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम सेंट्रॉइड मत यूज कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आई?
एरिया के लिए अलग सेंट्रोइड होगा और वायर के लिए जो पेरीमीटर पे जो वायर जैसा बनाओगे उसका अलग सेंट्रोइड आएगा राइट। फिर क्या करोगे, फिर वही 2 पाई इंटू जो भी टू पाई बेसिकली पाई इंटू उसका जो वो जो स्वीप कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय ये जो पेरीमीटर है, इससे मेरे पास उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, अब उसके अंदर भी क्या चीज है, अगर पूरा सरफेस एरिया पूछा है तो ध्यान रखना इसके दो फ्लैट सर्फेसेस दिए तो करंट सर्फेस वैसे आएगा और दो फ्लैट सर्फेस जो दिख रहे हैं मान लो ये इसका एरिया और ऐड करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो मतलब जैसे मान लो पेंटिंग कॉस्ट देख रहे हो, उसकी पेंटिंग कॉस्ट क्या होगी तो उसमें ये वाला सर्फेस एरिया भी ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरे उस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं हो रहा, मेरे से खाली वो करंट सर्फेस वाला कैलकुलेट हो रहा है, तो ये दोनों और ऐड कर देंगे उसके हिसाब से। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में? इसके बाद मैंने एक टेबुलर फॉर्म में तुम लोगों को समरी ऑफ रिजल्ट दे दिया, तो इसमें से कुछ रिजल्ट हो सकता है नहीं भी डराइव किए, मैंने पहले ना मेंशन किया तो टेबल में मैंने दे रखे हैं, तो स्पेशली जो मैंने डराइव किया वो तो याद रखना ही, उसके अलावा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जो एक्स्ट्रा रिजल्ट दिख रहे हैं उनको खुद से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी कर्व्स के लिए तो देखो ये याद होगा तुमको, मैंने 2r/π बताया था इसका, इधर सुनो फुल पूरा सेमी सर्कल ना होगा क्वार्टर सर्कल है तो भी हम कह सकते हैं बाईसिमेट्री वर्टिकल हाइट, तो इसकी जो होगी वही इसकी भी होगी, इधर ना, और इसकी वर्टिकल हाइट जितनी होगी इधर से इस वाले बेस से उतनी इस वाले से भी होगी, इधर ना, इसका क्या आ जाएगा 2r/π/2r/π आ जाएगा, इधर क्वार्टर सर्कुलर का कहाँ आ जाएगा, ये भी 2r/π और ये भी 2r/π, लॉजिक समझ में आ रहा है, सेमी सर्कल का इधर से नीचे से ऊपर 2r/π, तो एक्स बार वाई बार दोनों लिखे हुए हमने। ठीक है, और लेंथ वो कर्व की लेंथ भी दे रखी है, ये लेंथ तो ठीक है नहीं याद करो तो चलेगा, ऐसे ही आर्क ऑफ अ सर्कल का हमारा क्या था, आर साइन थीटा अपॉन थीटा, इधर अल्फा लिया तो फिर समझ गए, और वहां पे थीटा याद रखें उसमें सेमी वर्टेक्स एंगल को थीटा बोला था, तो आर साइन थीटा बाई थीटा में थीटा सेमी वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो ये मेरा आर्क ऑफ अ सर्कल का हो गया। ठीक है, और आगे अभी देखते हैं, ये तो कर्व्स का होगा, इसके बाद फिर लैमिनर एरियाज का, तो ट्राइंगल का हमने प्रूफ किया था h/3 पे होता है, ठीक है वही लिखा हुआ। ठीक है, ओके, और ठीक है एक्स बार तो मतलब निकाल सकते हो, सेंट्रॉइड पे होता है एक्स बार, लिखा नहीं हुआ हमें, और क्वार्टर सर्कुलर एरिया का कहाँ पे था, ये हमारा 4r/3π पे था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4r/3π का 4r/3π हो जाएगा, अगर क्वार्टर सर्कुलर फुल सेमी सर्कल है तो फिर 4r/3π ये होगा, और नहीं तो इसके लिए क्वार्टर करोगे तो क्या होगा, इधर भी 4r/3π और इधर भी 4r/3π, समझ में आया कि नहीं, उसी को आधा कर वो लिखा हुआ। ठीक है, और सेमी सर्कुलर के लिए फिर ये 4r/3π है, ये तो प्रूफ किया था हमने, बेसिकली वही सेक्टर का निकाला था और सेक्टर में थीटा को हमने 90 डिग्री डाल दिया था, तो उससे हमारा सेमी सर्कुलर का आ गया। फिर इलिप्टिकल एरिया, इलिप्टिकल एरिया को अगर तुम देखो बेसिकली सेमी सर्कल को पिचका दिया, इलिप्स क्या, सेमी सर्कल को बस पिचका दिया हमने, सेमी सर्कल को अगर तुम पिचका दोगे तो क्या होगा, तो सेंट्रॉइड भी उसी फैक्टर से बेसिकली सब कुछ उसी फैक्टर से पिचक जाएगा, तो वहां पे हमारा क्या था 4r/3π था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b/3π हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को अगर एक्सिस के ऊपर किसी फैक्टर से स्केल करके पास में लेके आ जाओगे तो सेंट्रल मास का कोऑर्डिनेट भी उसी फैक्टर से स्केल होकर पास में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 4b/3π, आया समझ में कि नहीं, और इसका एरिया क्या हो जाता है πab/4 हो जाता है। ठीक है, सॉरी πab/2πr की जगह क्या होगा, मतलब समझ गए, सेमी इलिप्स का πab/2, दिस इज योर, हाँ पूरे इलिप्स का πab होता है तो इसका πab/2 एरिया। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात, ओके। ऐसे ही सेमी पैराबोला और पैराबोला, ये तुम लोग नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बाकी याद करना है तो 3h/5 पे होता है पैराबोला का। ठीक है, वर्टिकल हाइट जो होती है 3h/5 पे होती है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों निकाल रखे। ठीक है, सेमी पैराबोला के लिए ये 3a/8 दे रखा है, x बार जो 3a/8 है और y बार जो हमारा 3h/5 है, नहीं याद करोगे तो चलेगा, निकाल सकते हो, पैराबोला को इतने स्टैंडर्ड नहीं, बट समझ में आ रहा है ना, पैराबोलिक स्पैंड्रल का तो हमने निकाला ही था इनफैक्ट। ठीक है, पैराबोला का भी चाहो तो निकाल सकते हो, पैराबोलिक स्पैंड्रल का देखो निकाल करके ये दे रखा है। ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक है, और जो नहीं डेराइव किया वो डेराइव करना। जनरल स्पैंड्रल किस तरह की, kx^n (n+1)/(n+2)(a), ये भी हमने डेराइव किया था, राइट। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे अलग से निकाल रखा है, इसको याद करना तो कर लो, नहीं तो डेराइव करना। (n+1)/(4n+2)(h) हो जाता है वर्टिकल कोऑर्डिनेट। जनरल स्पैंड्रल का, सर्कुलर सेक्टर का ये क्या है, हमारा जो आर्क का है तो उसका 2/3 है, ऐसे हमने डेराइव किया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हेमिस्फीयर का कहाँ पे आया था, हेमिस्फीयर का ये कोऑर्डिनेट आया था 3r/8, यानी 3a/8, अगर a रेडियस है तो 3a/8 पे आया था सॉलिड हेमिस्फीयर का। ठीक है, और सेमी एलिप्सॉइड होगा, एलिप्सॉइड जो है बिल्कुल वो क्या है, बेसिकली हेमिस्फीयर को ही समझो ऊपर स्केल अप कर दिया, तो वो अगर h हाइट है तो जैसे यहाँ पे 3a/8 आ गया तो यहाँ पे 3h/8 आ जाएगा एलिप्सॉइड के लिए, समझ गए, एलिप्सॉइड इज नथिंग बट हेमिस्फीयर स्ट्रेच्ड, समझ में आ रहा है, मेकिंग सेंस। ठीक है,
और वॉल्यूम इसकी फिर 2 पाई a² ऐसे हो जाती है, वहां पे 2 बाई 3 पाई a³ है, तो यहाँ पे एक a को h से रिप्लेस कर दिया, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, तो समझ गए, वॉल्यूम भी स्ट्रेच हो गई वही h बाई a के फैक्टर से। क्लियर है? ठीक है, पैराबोलॉइड के लिए कहाँ पे होता है, पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन का h/3 पे होता है ये सेंट्रोइड पे। ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम दे रखा है 1/2 पाई a² h। ओके, कोन का ये याद रखना है, कोन का कहाँ पे होता है, h/4 पे होता है, राइट। और वॉल्यूम तो याद होता है ये सभी का। पिरामिड का भी कहाँ पे होता है, h/4 पे होता है, ये भी मैंने बताया था तुमको, पिरामिड के लिए h/4। ठीक है, तो क्लियर है ये सारे? ठीक है, एक बार नजर मार लो, उसके बाद फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द ऑल द रिजल्ट वंस फॉरवर्ड। ठीक है, कई बार अभी क्या है, किस तरह के क्वेश्चन होता है जहां पे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना होता है हमें, सेंटर ऑफ मास से स्टेबिलिटी का क्या लेना देना होता है। तो देखो, कोई भी सिस्टम जो है कैसी कॉन्फ़िगरेशन लेता है, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन लेता है, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी किससे डिसाइड होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड होती है सेंटर ऑफ मास की हाइट से। ठीक है, तो नियर बाय एक्सेसिबल पोजिशन में जो लोएस्ट एक्सेसिबल पोजिशन होती है हमारी सेंटर ऑफ मास की, उस पोजिशन में मेरा सेंटर ऑफ मास टिक जाता है। इसीलिए तुम लोग देखो, जैसे कोई कंटेनर है, इसको अगर तुम मान लो हल्का सा तुम टिल्ट करते हो, मान लो इसको हल्का सा टिल्ट कर देते हो, जैसे ये बॉटल, ये समझो उस बॉटल को मैं हल्का सा टिल्ट करता हूँ तो ये वापस आ जाती है, इज इट नॉट। बहुत ज्यादा टिल्ट करता हूँ तो उस तरह चली जाती है, लेकिन हल्का सा टिल्ट करता हूँ तो वापस आ जाती है, फिर ऐसे करके वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो वैसा क्यों होता है वो भी हम समझ सकते हैं सेंटर ऑफ मास के टर्म में। सोच के देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे रेक्टेंगुलर बॉटल है, यानी ठीक है, तो इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, इज इट नॉट। जब ये इस वर्टेक्स के अबाउट घूमती है तो सेंटर मास इस आर्क के अलोंग जा रहा होता है, राइट। ऐसे इस वर्टेक्स के अबाउट घूमती है तो सेंटर मास इसके अबाउट एक आर्क के अराउंड जा रहा होता है। तो ये देख पा रहे हो कि जब इसके अराउंड जब आर्क ट्रेस कर रहे हैं तो सेंटर मास की हाइट बढ़ती जा रही है, इज इट नॉट। जब इस पॉइंट के अबाउट, एंड पॉइंट के अबाउट, जैसे बॉटल को डिस्टर्ब किया, इसके अबाउट जब आर्क ट्रेस कर रहे हैं तो सेंटर मास की हाइट बढ़ गई, इज इट नॉट। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, अगर सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है बॉटल के अंदर, तुमने उसको फ्लिक किया, तो क्या होगा, सेंटर मास की एनर्जी बढ़ रही है और वापस फिर घटना कहीं पे जाकर जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद रिवर्स मार के फिर बॉटल क्या करती है, कट 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 करके वापस एनर्जी लॉस हो रहा होता है, एक्चुअली कोलिजंस कर रही होती है वो इलास्टिक टाइप के या जैसे भी पार्शियली, तो उससे एनर्जी लॉस होकर फिर फाइनली एक जगह जाके रुक जाती है। लेकिन अगर सोचो इस बॉटल को मैंने बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का अगर लोकस देखो तो आर्क ऑफ सर्कल तो है, लेकिन ये आर्क की कई मैक्सिमम हाइट है, और उसके बाद फिर से हाइट घटने लग जाती है, देखो। तो इसका मतलब क्या, इस बॉटल को इतनी तुमने काइनेटिक एनर्जी दे दी कि सेंटर ऑफ मास एकदम वर्टिकल पोजीशन में आ गया पिवट के वो, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद भगवान की मर्जी है, उसके बाद हो सकता है ये वापस आ जाए, हो सकता है उस तरफ चली जाए, समझ में आई बात के लिए। उससे ज्यादा एनर्जी दे दी तो की बात है उस तरफ निकल जाएगी, समझ में आ रहा है। जैसे ये बॉटल है, इसमें तो खैर दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी, अंदर पानी की वजह से अजीब से सेंटर मास इफेक्ट्स हो रहे हैं, बट इमेजिन इट टू बी अ रिजिड बॉडी। तो ऐसे करके ऐसे घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, किसी पॉइंट पे सेंटर मास अपने हाईएस्ट लोकेशन पे होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, इस तरफ भी जाने से सेंटर मास की पोजीशन घटेगी और इस तरफ भी जाने से भी, तो क्या होगा, उस पोजीशन में वो किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, उससे हल्का सा भी और आगे गया तो फिर दूसरी तरफ टिल्ट हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स बिहेव दिस वे। किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिक करते तो वो क्यों कट 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 करके एक जगह पे आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, हमारा सेंटर मास लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे होना चाहिए। न्यूट्रल के लिए क्या है, आसपास की पोजीशंस में भी सेम सेंटर ऑफ मास की हाइट रहनी चाहिए, और अनस्टेबल के लिए क्या, आजू बाजू की जो पोजीशंस हैं उसमें सेंटर ऑफ मास की हाइट और घट जानी चाहिए। ठीक है, स्टेबल के लिए लोएस्ट वहीं पे होनी चाहिए और अनस्टेबल के लिए वहां पे मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो अभी इसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या लिखा, सॉलिड कोन इज माउंटेड ऑन अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, माउंट कर दिया, ऑफ सेम मटेरियल, व्हाट कैन बी द हाइट एच ऑफ द कोन सो दैट द सिस्टम इज इन स्टेबल कॉन्फिगरेशन इन द गिवन ओरिएंटेशन। तो तुम लोगों का इंट्यूशन क्या बोलता है, अगर तो ये बहुत पतला सा कोन है तो फिर ये स्टेबल रहेगा, इज इट नॉट। लेकिन अगर ये कोन बहुत ऊंचा कर दिया तो तुम्हें पता है ये गिरने की टेंडेंसी आएगी, इंट्यूटिवली ये समझ सकते हो। तब हो क्या रहा है, इसको ज्यादा ऊंचा कर देते तो ये गिर क्यों जाता। तो सोच के देखिए, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे है तो इस पॉइंट का जमीन से इतना डिस्टेंस है, टिल्ट करने पे ये पॉइंट जमीन पे आएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, टिल्ट और टिल्ट करोगे तो ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हो कि ये सारे पॉइंट्स में से लीस्ट डिस्टेंस जो है इसी पॉइंट का है, इधर। तो सेंटर ऑफ मास मेरा जब तक ये जो ओ पॉइंट है उससे नीचे, अगर जब तक सेंटर ऑफ मास, तो मुझे पता है कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसी पॉइंट का होने वाला है हेमिस्फीयर का, इधर। दिस पोजीशन इज गोइंग टू बी द स्टेबल कॉन्फिगुरेशन। जब सेंटर ऑफ मास मान लो कोन को और ऊंचा और ऊंचा करते जा रहे, तो सेंटर ऑफ मास और ऊपर बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी पॉइंट ओ पे आ जाएगा, इधर नॉट। जब पॉइंट ओ पे आ जाएगा सेंटर मास, तो क्या होगा, सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे हेमिस्फीयर के, इधर नॉट। तो इसका मतलब क्या, इसको टिल्ट करोगे तो सेंटर मास सेम हाइट पे ही रहेगा, तो वो जो टॉय बनेगा उसको ऐसे टेढ़ा कर दो, ऐसे टेढ़ा कर दो, जिस जिस पोजीशन में उसको छोड़ोगे उसी पोजीशन में रुका रहेगा, इधर। ये सेंटर मास की हाइट तो चेंज हो नहीं रही, दैट्स अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट।
If the height of center of mass is not changing, that means what? It will be in equilibrium. तो वो ऐसे करके ऐसे भी टेढ़ा पड़ा रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर मास तो अभी भी यहीं पे, कोई टॉर्क वर्क आएगा नहीं, समझ में आई बात की, ठीक है। Whereas अगर इससे और ऊंचा हो गया सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, then this will become the farthest point and you know that these points will be nearby, ठीक है, ये और पास पास में होंगे, तो फिर क्या होगा, ये घूम घूम के अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम कर सकता है, आएगा समझ में कि नहीं। So long as center of mass is below this point, it will be stable. Moment it goes above, so this point becomes the farthest and you get the other nearby points, right? So then it will become unstable. Clear? तो बस limiting case में क्या करोगे, combined center of mass को O पे रख दो, तो ठीक है, अभी इसको try करो खुद से। सिंपली अभी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बस O पे लाना है, तो क्या लिखा, फॉर स्टेबिलिटी द गिवन कॉन्फ़िगरेशन शुड हैव स्मॉलर पोटेंशियल देन नियर बाय कॉन्फ़िगरेशंस अपॉन स्मॉल पर्टर्बेशंस, ठीक है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इफ कंबाइंड सी एम इज एट O, इट विल बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बिकॉज विद स्लाइट रोलिंग सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर विल रिमेन एट द सेम हाइट। समझ में आ रही है बात, जो अभी समझाई थी वही बात बोलिए। यहाँ पे विल गलती से लिख दिया, विद होना चाहिए यहाँ पे, विद, सॉरी नॉट देयर, समवेयर एल्स, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, I'll correct it later on, ठीक है। फिर क्या लिखा, if the combined CM is below this point, the equilibrium will be stable and if it is above this point, it will be unstable, समझ में आ रहा है। Thus in limiting case, combined CM जो है O पे ले लेंगे और फिर inequality लगा देंगे, neutral equilibrium क्योंकि नीचे हम strictly stable equilibrium चाहिए, ठीक है। तो volume of the hemisphere 2/3 pi r³ और उसका cone का क्या होता है 1/3 pi r²। अब मान लो hemisphere का mass capital M मान लिया, ठीक है, okay, तो कोन का मास क्या हो जाएगा मेरा, कोन का मास हो जाएगा 1/2 m × h/r, समझ में आ रहा है, 2/3 का फैक्टर है यहाँ पे, 1/3 का फैक्टर है, तो बस उसी मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, यू कैन डू इट अल्टरनेटली आल्सो डेंसिटी लेके, बट समझ में आ रहा है ना, अगर हेमिस्फीयर का मास m है तो कोन का मास 1/2 m h/r हो जाएगा, फॉर्मूले से ही दिख रहा है, रेशियो इनका दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि रेशियो वॉल्यूम्स के 1/2 h/r है, इसलिए। नाउ यूजिंग द कंपोजिट बॉडी मेथड YCM क्या होगा, 1/2 m × h/r × h/4, कोन का h/4 पे होता है, ये कोन का टर्म लिखा, ठीक है, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 3r/8 फ्रॉम द बेस होता है, लेकिन नेगेटिव लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है, तो प्लस m × -3r/8 डिवाइडेड बाय 1/2 m h/r + m = 0, ठीक है। अब ये 0 है तो न्यूमरेटर को बस 0 रख दो, तो इसका यूज करके h² जो आती है √3r, बट ध्यान रखना ये हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व किया, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, तो h शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन √3r, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या, एच लेस देन √3r, तो ये करेक्ट ऑप्शन मेरे क्या हो जाएंगे, ए और डी, बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दे आर सैटिस्फाइंग दैट कंडीशन, ठीक है, तो क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कुछ डाउट तो बोल सकते हो अभी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स जो अपनी अपनी जगह से इधर उधर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास भी कहीं चला जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन पार्टिकल्स के मोशन से कैसे रिलेटेड है वो अब हम लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है जो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, जिसमें ith पार्टिकल जो है उसमें मान लो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा आर आई होगा, ठीक है, आर आई उसका पोजीशन वेक्टर है और डेल्टा आर आई क्या, चेंज इन पोजीशन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। फाइनल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, 1/m σmi ri + δri, राइट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आर आई थी, फाइनली आर आई प्लस डेल्टा आर आई, तो और इनिशियल पोजीशन क्या, 1/m σmi ri, अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिख रहा है mir वाले टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, डेल्टा आर सी एम एस सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई बाय एम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पार्टिकल्स की एब्सोल्यूट पोजीशन जानने की जरूरत नहीं है, हर पार्टिकल का इंडिविजुअली डिस्प्लेसमेंट पता है, तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट उसी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या, आरसीएम इज 1/m σmir, राइट, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, तो डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ, पर ये ध्यान रखना यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन करो इसमें मान के चल रहा हूँ कि मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो फिर मैं सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, नए जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं उनके मास का क्या रोल है वो सब भी मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो मैं अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ये कांस्टेंट मास सिस्टम लिखा हुआ है, इसलिए जान के यहाँ पे ब्रैकेट में कांस्टेंट मास सिस्टम हेडिंग में डाला, क्योंकि वेरिएबल मास के लिए क्या करना है वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वी कैन सिंपली डिफरेंशिएट द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/m तो एज इट इज कॉमन रहेगा, और एम आई और डी आर आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ आयथ पार्टिकल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, सेंटर मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/m σmi vi, समझ में आया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है,
मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है राइट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, वन अपॉन टोटल मास टाइम्स द समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ये क्या हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा राइट। या ऑल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इंडिविजुअली वेलोसिटी हमें नहीं पता, सेंटर ऑफ मास की खाली वेलोसिटी पता है, तो हम मोमेंटम लिख सकते हैं सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ VCM। ये वही है जो अभी अभी मैंने बोला, उसी को पढ़ देते हैं। तो क्या लिखा, रिकॉग्नाइज दैट इन इक्वेशन टू, ये वाली इक्वेशन इक्वेशन टू है, द टर्म MIVI रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ द आयथ पार्टिकल, दस सिग्मा MIVI रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम, टू को रीअरेंज कर लो तो सिग्मा MIVI क्या आ गया, एम टाइम्स VCM। हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है सभी को, आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। बाय द वे एक साइड पॉइंट, अगर मान लो मुझको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है और पार्टिकल्स ऐड होते जा रहे हैं मेरे सिस्टम में, तो फिर उसको करने का करेक्ट तरीका क्या है, हम पहले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे इस तरह से फॉर्मूले में डिफरेंशिएट करना, पहले पोजीशन RCM एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, टाइम का फंक्शन RCM को पहले निकालना पड़ेगा, सीधे सिग्मा MIVI नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं बता ही देता हूँ, क्या पता आगे नोट्स में आए प्रॉब्लम, कोई कारपेट है, जैसे कारपेट है, इसको ऐसे घुमा के मैं इसको खींचते जा रहा हूँ और पूछा है कि मूविंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे दिख रहा है जो मूविंग पार्ट है उसके अंदर मास ऐड होते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मूविंग पार्ट का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और मूविंग पार्ट के मिड पॉइंट का देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट क्या है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आई बात की नहीं, जो भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा था फंक्शन ऑफ टाइम, उसका डेरिवेटिव मेरा सेंटर मास का वेलोसिटी होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मूविंग कारपेट है, वो देखते हैं कि अरे सारे पार्टिकल्स अगर इस एंड को बी से खींच रहे हो तो सारे पार्टिकल्स बी से जा रहे हैं, तो सेंटर मास की वेलोसिटी वी बोल देते हैं, जो कि गलत है, दिख रहा है कि नहीं? एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो ये पार्ट जो है ये तो वी वेलोसिटी से भले ही मूव कर रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होने वाला है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग रेट से चेंज हो रहा है और ये एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग रेट से चेंज हो रहा है, बिकॉज न्यू मास इज गेटिंग एडेड राइट। तो सीधे सीधे हम सीधे ये नहीं कर सकते कि हर पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि नए पार्टिकल्स हैं ना ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो सीधे हम ये नहीं कह सकते कि हर पार्टिकल वी से चल रहा है तो सेंटर मास की वेलोसिटी वी करते, वो गलत है। ठीक है, तो ये शायद आगे एक्सप्लोर होगा, कहीं ना कहीं जरूर नोट्स में आएगा आगे शायद। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ में आई बात? इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ कॉन्स्टेंट मास सिस्टम। तो क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल चुके हो, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, VCM था 1/m सिग्मा MIVI, डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया, 1/m सिग्मा MIDVI/dt व्हिच इज नथिंग बट AI राइट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 1/m सिग्मा MIAI। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स होता है राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम से तो डिवाइड करना है, और क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ले लेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखो जो पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रही है, मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे माउस ही है, मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है माउस, तो इसके अंदर क्या, कुछ तो माउस के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को फोर्सेस लगा रहे हैं और कुछ मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्सेस दे रहा है, तो देर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देर आर सम इंटरनल फोर्सेज, आ रही बात समझ में कि नहीं? ऑल द इंटरनल फोर्सेज दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स राइट। तो समेशन अगर दूंगा सारे इंटरनल फोर्सेज का, वो तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सिग्मा एफ आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली राइट। समझ में आई बात की? तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो क्या कर सकते हो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यही चीज फॉर्मली मैंने अगले सेक्शन में लिखी है, बट आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मली अभी मैं पढ़ा देता हूँ। तो क्या लिखा अगला सेक्शन, रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा, कंसिडर द इक्वेशन फोर, ये वाली इक्वेशन अबव, रिकॉग्नाइज दैट टर्म MIAI रिप्रेजेंट फोर्स ऑन द आयथ पार्टिकल, तो सिग्मा MIAI क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम राइट। नाउ कंसीडर टू पार्टिकल्स PI एंड PJ विद इन द सिस्टम, ये दो पार्टिकल्स हैं PIH एंड PJH राइट। लेट FIJ एंड FJI बी देयर इंटरैक्शन फोर्स, तो इसके ऊपर आयथ पार्टिकल पे J की वजह से FIJ लग रहा है और इसके ऊपर FJI लग रहा है। ठीक है, ओके, इंटरनल एक्शन रिएक्शन पेयर, ओके ठीक है। तो एंड लेट कैपिटल एफ आई एंड कैपिटल एफ जे बी द एक्सटर्नल फोर्स, इन पार्टिकल्स पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, कैपिटल एफ आई और कैपिटल एफ जे राइट। देन इफ वी टेक द समेशन ऑफ फोर्सेस, द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल बिकम जीरो बिकॉज देयर
बिकॉज ऑफ देम बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे हमेशा, इसलिए उनका सम जीरो हो जाएगा. द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज एसेंशियली द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. दस री राइटिंग फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, एसीएम क्या आ जाएगा मेरा, एसीएम विल बी 1/n सिग्मा कैपिटल एफ आई एंड सिग्मा एफ आई जे, जो कि समेशन पे जीरो हो जाएगा. तो दिस इज 1/n सिग्मा एफ आई यानी एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एन, राइट. या फिर इसी इक्वेशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में ज्यादा यूज होती है क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू नेट मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ गए. तो पार्टिकल्स के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं भी पता है मुझे, तो भी मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स पता है, ठीक है. तो ये एक और प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास की, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है. और एक्सटर्नल फोर्स को हम चाहें तो डीपी बाई डीटी भी लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसीएम क्या है मेरा, एसीएम मेरा है डी वीसीएम बाई डीटी, राइट, बोलो. और एम टाइम्स वीसीएम क्या है, एम टाइम्स वीसीएम मेरा मोमेंटम है सिस्टम का, इज इट नॉट. तो इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं. सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस. क्यों, एसीएम को क्या लिखा, एसीएम को लिखा डी वीसीएम बाई डीटी, और m टाइम्स डी वी सी एम बाई डी टी, एम तो एक कॉन्स्टेंट स्केलर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ m टाइम्स वी सी एम लिख सकते हो कि नहीं. और m टाइम्स वी सी एम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था, ये मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है. तो यही लिखा, तो क्या लिखा, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू द मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सी एन, ये वाली इक्वेशन. और इनफैक्ट नॉट ओनली वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो, बट ऑल्सो सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो, ये मैंने प्रूव नहीं किया अभी, लेकिन क्या इट दैट इज ऑल्सो ट्रू. जैसे इंटरनल फोर्सेज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ कुछ तो टॉर्क लगेगा ना किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा आर वन क्रॉस एफ आई जे और आर टू क्रॉस एफ जे आई, तो उसमें देखोगे समेशन करके इट टर्न्स आउट कि वो आर आई जे क्रॉस एफ आई जे बन जाता है फाइनली, तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. खैर रोटेशन में ये सब मैं प्रूव करने वाला हूँ, अभी तो बस नहीं समझ में आया तो फैक्ट की तरह से सोचिए. इंटरनल टॉर्क्स का भी सम जीरो हो जाता है, इंटरनल फोर्सेज जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं. या और सिंपली मैं बोल सकता हूँ एक चीज, देखो एक्शन रिएक्शन सेम लाइन के अलोंग ही एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से सेम ही होने वाला है, इज इट नॉट. एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही होगा ना, अगर सेम लाइन में कंटेंट है दोनों फोर्सेस, तो इसका मतलब क्या, टॉर्क फिर कैंसिल नहीं होंगे, एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ऐसे डायरेक्टली भी सोच सकते. आई होप नाउ इट इज आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस व्हाई द इंटरनल टॉर्क्स विल कैंसिल, समझ में आई बात, ठीक है. So not only vector sum of internal forces is zero, but also sum of torques of all internal forces about every point in the universe is also zero, because all action reaction pairs are contained in the same lines, okay? Equal perpendicular distance from any point. We will learn about the significance of this fact when we learn about angular momentum. So, ek theorem baad mein padhenge rotation mein conservation of angular momentum ki. So, uske baare mein internal torques ke cancellation ke baare mein tab wahan pe aur zyada baat. So एक बार ये सेक्शन देख लो, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन द सेक्शन. तो अभी तक हम जितनी भी कहानी कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के मोशन को लेके, ऑल ऑफ दैट वाज एम्ड टुवर्ड्स प्रूविंग टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसमें से पहला रिजल्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अब हम लोग तैयार हैं, जितने रिजल्ट हम निकाल चुके हैं वी आर रेडी टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो क्या है, देखो पहले स्टेटमेंट बाद में प्रूफ. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, then its linear momentum remains conserved. अगर F external मेरा zero है system पे, उसका net linear momentum मेरा क्या होगा, constant होगा, ठीक है. ये statement है, यानी mathematically if F external is zero then capital P is constant. ये कैसे prove कर सकते हैं, तो देखो F external मैंने क्या prove किया था, total mass of the system size acceleration of center of mass, right. मेरा F external अगर zero है let us say, तो इसका मतलब क्या, center of mass का acceleration zero होगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो, सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मैं प्रूव कर चुका हूं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट. तो टोटल मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, नेट मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट है, राइट. तो क्या लिखा, दैट इफ वीसीएम इज कांस्टेंट देन नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट आल्सो बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मास सिस्टम. नोट दैट इक्वेशन 5 इज अ वेक्टर इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 कहीं पे मैंने डाला होगा, this is the equation 5, ठीक है. ये वेक्टर इक्वेशन है, राइट. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम टाइम्स एसीएम, यानी इसको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग से लगा सकते हो, राइट. सोचो अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो हो गया, तो सेंटर मास का एक्स एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या, सेंटर मास का एक्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट. इसी तरह से अगर वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो, तो वाई वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा, वाई मोमेंटम कंजर्व होगा. इसी तरह से जेड डायरेक्शन, राइट. तो ये लिखा हुआ, ठीक है. क्या लिखा, तो
ठीक है, तो क्या लिखा, इक्वेशन 5 इज अ वेक्टर इक्वेशन, दस इट कैन बी रिटन कंपोनेंट वाइज, इसलिए क्या कह सकते हैं, एफ एक्सटर्न इन द एक्स डायरेक्शन इज एम टाइम्स एसीएम इन द एक्स डायरेक्शन, इसी तरह से वाई डायरेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन वाइज, तो डायरेक्शन वाइज लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स डायरेक्शन में मोमेंट फोर्स जीरो है तो एक्स मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसी तरह से वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो वाई मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इवन दो जेड और एक्स में हो सकता है ना भी कंजर्व हो। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज भी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। तो क्या लिखे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो इन एनी डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन रिमेंस कंजर्व, इफ एफ एक्सटर्नल एक्स इज जीरो, पी एक्स इज कॉन्स्टेंट एटसेट्रा वाई और जेड में। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी, समझ में आया प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, एक बार देख लो उसको। इसके बाद अगला जो मेरा थ्योरम है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस नाम से कोई थ्योरम तुमको किताबों में मिलती नहीं है, कंजर्वेशन मोमेंटम का ही लॉ लिखा रहता है, लेकिन क्या उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि कुछ पर्टिकुलर अगर इनिशियल कंडीशंस हैं तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो उसी का कोरोलरी कह लो कंजर्वेशन मोमेंटम का। तो क्या है, अगर मान लो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो है, ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है, दो चीजें, अगर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है तो फिर क्या होगा, हमेशा मोमेंटम जीरो रहने वाला, राइट, ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास रिमेंस फिक्स्ड। मोमेंटम अगर हमेशा जीरो, इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो, इसका मतलब क्या, पोजीशन सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट है, तो यही बात देखिए, ठीक है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो और इनिशियल मोमेंटम भी जीरो है तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इवन इफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव, दिस कैन बी शोन एज फॉलोज। तो क्या लिखा, एफ एक्सटर्नल इज जीरो तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसका मतलब वीसीएम कॉन्स्टेंट है, बट इफ पी इज जीरो तो वीसीएम भी जीरो है, मेरा वीसीएम जीरो है तो इसका तो आरसीएम कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा आरसीएम जीरो, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है, आई बात समझे कि नहीं। अब इसी फैक्ट को यूज कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल इक्वेशन में बनाने वाला हूँ। तो क्या है, डेल्टा आरसीएम हमने क्या प्रूव किया था, वन अपॉन एम सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है वीसीएम जीरो है तो इसका मतलब क्या है, अब ये चीज जीरो करनी है ना मुझे, तो डिवाइडेड बाय एम को छोड़ भी दो क्या ही फर्क पड़ता है, इसका मतलब क्या, सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई जीरो, तो इसी फॉर्म में हमेशा यूज करेंगे सीकॉम, यानी कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है यही वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो और वेलोसिटी जीरो सेंटर ऑफ मास की, या फिर मोमेंटम जीरो तो सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई जीरो होगा। अब वापस ये जो कंडीशन है वेक्टर कंडीशन है, इसका मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो और एक्स वेलोसिटी जीरो है तो सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई जीरो हो जाएगा, इसी तरह वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो है और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है तो फिर सिग्मा एम आई डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, इवन एफ एक्स और जेड में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा, सिंस सीकॉम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वेक्टर इक्वेशन द लॉ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड कॉम्पोनेंट वाइज, यानी डायरेक्शन वाइज, यानी इफ एक्स एक्सटर्नल एंड एक्स डायरेक्शन है जीरो और बीसीएम का एक्स कॉम्पोनेंट अगर जीरो है तो सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई जीरो हो जाएगा, और इसी तरह से वाई और जेड में भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके इसी आइडिया पे बेस्ड, सीकॉम के ऊपर, यानी कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। तो मान लो मेरे पास कोई बोट है, ठीक है, बोट है किसी रिवर में, रिवर को फ्रिक्शनलेस मान लेना, यानी एज्यूम की कोई हवा वगैरह नहीं चल रही तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, और कोई रिवर का करंट वरेंट लेक समझो, और उसके अंदर कोई विस्कस ड्रैग वगैरह भी नहीं है, पानी को बिल्कुल ऐसे मान फ्रिक्शनलेस फ्लूइड की तरह, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, तो इन अ बोट ऑफ मास 4m एंड लेंथ l, ये बोट है जिसका मास 4m है लेंथ l है, टू मैन ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m रिस्पेक्टिवली आर इनिशियली स्टैंडिंग स्टिल, तो इसका मास m है इसका मास 2m है और ये दोनों रुके हुए अपनी अपनी जगह, ठीक है, देखने से वैसे उल्टा लग रहा है ठीक है, ये मरियल लग रहा है, ये थोड़ा तगड़ा, ठीक है, ओके। द बोट इज ऑल्सो इनिशियली स्टिल, बोट रुकी हुई है, नाउ ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस l बाय 4 एंड b ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 3l बाय 4, ये बोट के रिलेटिव l बाय 4 चलता है और ये 3l बाय 4 चलता है और दोनों आके मिल जाता है, ठीक है, बोथ रिलेटिव टू द बोट मीट ईच अदर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट ऑन वाटर इन द प्रोसेस, तो ये जब आप चल रहे हैं इधर से इधर ये आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो तो आदमी प्लस बोट का अगर हम सिस्टम देखें तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, इज इट नॉट, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं क्योंकि पानी से कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा, हवा चल नहीं रही, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट होने वाला नहीं है, राइट, इसका मतलब क्या, सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई जीरो होगा, राइट, ठीक है। तो क्या लिखा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट ऑन वाटर इन द प्रोसेस, अज्यूम दैट वाटर ऑफर्स नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, पानी से कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं लग रहा, तो बोट कितना शिफ्ट होगा ये हमें निकालना है, अभी खुद से ट्राई करो उसको। हाँ, तो देखो एक्स डायरेक्शन को अगर हम देखते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आई नहीं एक्स डायरेक्शन के सिस्टम पे,
तो इसका मतलब क्या है, और VCM भी इनिशियली सब कुछ तो रेस्ट पे था, बोट और आदमी दोनों रेस्ट पे थे, तो VCM भी x डायरेक्शन में जीरो ही है। इसका मतलब क्या, दोनों कंडीशन मीट हो गई ना सीकॉम की x डायरेक्शन में, तो ठीक है, बोथ कंडीशंस फॉर सीकॉम आर मेट। नाउ लेट बोट डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस x टू द राइट, मान लेते हैं बोट का डिस्प्लेसमेंट x टू द राइट हो रहा है, ठीक है। आई विल नॉट वरी वेदर इट्स हैपनिंग टू द राइट और लेफ्ट, बट किसी एक डायरेक्शन को मान लो नेगेटिव आ गया तो अपोजिट है, राइट। तो मैंने उसको मान लिया कि x डायरेक्शन राइट में शिफ्ट हो गई, बोट सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। तो इसका मतलब क्या है, अब सी कॉम लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन सिग्मा में डेल्टा एक्स आई जीरो, तो ये अगर एक्स चली गई तो ये कितना चला गया, एक्स प्लस एल बाई फोर चला गया, राइट, ग्राउंड फ्रेंड से बोर्ड के लिए तो एल बाई फोर गया, और ये कितना गया, एक्स माइनस थ्री एल बाई फोर गया राइट में, ठीक है। तो बस सबका मासेज इंटू राइट वर्ड शिफ्ट, इसका सम जीरो कर दिया, तो एम इंटू एक्स प्लस एल बाई फोर ये ए के लिए, ठीक है, फिर प्लस टू एम इंटू एक्स माइनस थ्री एल बाई फोर ये इसके लिए, और बोर्ड का खुद का फोर एम इंटू एक्स, समझ में आ रही है इक्वेशन, बस इसका यूज करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 5l by 28। इसका मतलब क्या है, बोर्ड 5l by 28 राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आया सभी को समझ में, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन इंक्लाइन एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस l रिलेटेड टू द इंक्लाइन। तो सोचो ये जो है ये फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, उसके ऊपर एक वेज दे रखी है, और ये ब्लॉक है, ये भी वेज भी फ्रिक्शनलेस है, ये भागेगा तो इंक्लाइन प्लेन भी लेफ्ट में भागेगा, तो क्या देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दिख रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, और ना ही इसके अंदर कहीं पे फ्रिक्शन है, उसका मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली है, इज इट नॉट। पता नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं, बट समझ में आ रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और क्या लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, और सेंटर ऑफ मास भी कंजर्व रहेगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में तो खैर एक्सटर्नल फोर्स है ग्रेविटी का, विच इज अनबैलेंस, बट एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह रहेगा, ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहने वाली, क्यों, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। तो अब देखते हैं कि पूछा गया क्या, पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इंक्लाइन एंड दैट ऑफ द ब्लॉक रिलेटेड टू द इंक्लाइन आफ्टर स्लाइडिंग। तो सबसे पहले तो ये पूछा, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी ब्लॉक वेज के रिलेटेड वेलोसिटी क्या होगी। हाँ, तो इसमें क्या है, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हो सकता है, इधर, ठीक है। और क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब तक ये एल डिस्टेंस कवर करके नीचे आया तो इस दौरान वेज मेरा कितना शिफ्ट हो गया, तो वो तो वही जैसे बोट वाली प्रॉब्लम की थी उससे कर सकते हो, राइट, ठीक है। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, तो खुद से ट्राई करो इसको और हो जाए तो फिर बताओ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम मेरा कंजर्व होने वाला है, राइट। ऑल्सो सिंस देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होने वाली है। मान लेते हैं वेज की वेलोसिटी है कैपिटल वी और वेज के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी, ठीक है, तो स्मॉल वी रिलेटिव टू द वेज। तो अभी क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन से लेफ्ट वर्ड मोमेंटम इक्वल टू राइट वर्ड मोमेंटम, या फिर टोटल मोमेंटम इक्वल टू जीरो भी कर सकते, तो वेज का क्या होगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, ठीक है, और स्मॉल एम का क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी कॉस थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल क्या, स्मॉल वी कॉस थीटा, तो समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो, क्यों, इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो था, तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई स्मॉल वी और कैपिटल वी, ध्यान रखना स्मॉल वी रिलेटिव माना हो, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, लॉस इन पी इक्वल टू गेन इन के, तो इसका लॉस इन पी क्या होगा, ये स्लांट लेंथ एल है तो वर्टिकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा, तो लॉस इन पी इज एमजीएल साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम इनटू कैपिटल वी स्क्वायर, ये इसकी वेज की काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी क्या होगी, तो ये ध्यान से देखो, इसमें दो वेक्टर्स का सम लगेगा, एक कैपिटल वी इधर एक स्मॉल वी इधर, तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस टू वी वी कॉस थीटा, टू कैपिटल वी स्मॉल वी कॉस थीटा। अब ये दो अननोन्स हैं, क्या कैपिटल वी स्मॉल वी दो अननोन्स हैं और उसमें दो इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करोगे तो कैपिटल वी की ये वैल्यू हो जाती है, स्मॉल वी की ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ओके, मतलब एलिमिनेशन की ही बात है, ओके। अच्छा, अब मेरे को शिफ्ट निकालना है, वेज का कितना शिफ्ट होगा, तो मान लो वेज का शिफ्ट है एक्स, वेज को मान लिया लेफ्ट की तरफ एक्स शिफ्ट हो गया, तो अब क्या करोगे, सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, राइट, तो वेज का शिफ्ट एक्स और वेज के रिलेटिव इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एल कॉस थीटा, राइट, क्योंकि वेज के रिलेटिव इधर एल है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होगा, एल कॉस थीटा, तो ग्राउंड फ्रेम में ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा, रहेगा समझ में, ठीक है। तो सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई जीरो लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वेज के लिए कैपिटल एम इंटू एक्स प्लस ब्लॉक के लिए स्मॉल एम इंटू एक्स माइनस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एम एल कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम, तो ये मेरा शिफ्ट आ गया, ठीक है, आया समझ में सभी को, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कुछ डाउट है तो बोल सकते हो अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा खासा दिमाग लगेगा इसमें, तो पहले समझ लो क्वेश्चन क्या, उसके बाद खुद से ट्राई करना, ठीक है, और इक्वेशंस ही बनानी है, सॉल्व तो नहीं करना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तो देख लो हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है, टेबल की एज के ऊपर एक ऐसे बेंट पाइप रखा हुआ, समझ गए, एल शेप का ऐसे पाइप रखा हुआ,
और ये पाइप जो है पाइप के अंदर कुछ कुछ अरेंजमेंट किया हमने, पाइप के अंदर क्या हुआ कॉर्नर पे ऐसे पुली फिटकी हुई है, इनसाइड द पाइप यहाँ पे एक पुली फिटकी हुई है और इस पुली के ऊपर से एक धागा जा रहा है जिससे दो पिस्टन कनेक्टेड है, एक पिस्टन यहाँ पे कनेक्टेड है, एक पिस्टन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अभी क्या होगा ये अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया, मानो पिस्टन को इनिशियली रोक रखा है तब तो रुका ही हुआ, फिर उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा ये पिस्टन आगे जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाने लगेगा और इस प्रोसेस में पाइप भी थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होगा। वो तुम्हें विजुलाइज करना कि पाइप क्यों शिफ्ट होगा, ये टेबल फ्रिक्शनलेस तो दिख रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं सिस्टम पे, पाइप प्लस पिस्टन प्लस एवरीथिंग, पाइप प्लस कंटेंट्स को अगर सिस्टम माने तो देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट। तो इसका मतलब क्या है इस सिस्टम का मेरा मोमेंटम भी कदर होने वाला है और देखोगे तो सी कॉम भी लगेगा ठीक है। तो कितना शिफ्ट होगा कैसे शिफ्ट होगा ये अभी तुम लोगों को खुद से वर्कआउट करना है, बट आई होप फिजिकल सिचुएशन समझ में आई कि क्या हो रहा है, समझ में आया फिजिकल सिचुएशन कैसा है। तो अभी इसको पढ़ देता हूँ फिर खुद से ट्राई करना। क्या लिखा क्वेश्चन, द पाइप ऑफ मास कैपिटल एम होना चाहिए यहाँ पे, पाइप ऑफ मास कैपिटल एम टिक कर लो। ओवर हैंग्स ऑन अ टेबल एज शोन, द पाइप हैज टू पिस्टन्स एंड पुलीज इनसाइड इट हैज अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। तो ये स्मॉल एम है, ये एम नॉट है और पाइप का खुद का मास कैपिटल एम है और पुली लगा रखी है ठीक है ओके। पिस्टन्स एंड पुलीज नहीं होना चाहिए, एक ही पुली है तो शुड बी पुली नॉट पुलीज ओके। The entire system is released from rest and there is no friction anywhere. कहीं पे कोई friction नहीं है। Now after M naught has fallen through a height h, M naught जब h height से गिर गया, इस process में क्या पूछा? Develop a system of equations to solve for variables. क्या क्या variables निकालने? Leftward velocity, capital V of the pipe. मान लो pipe की velocity छोड़ने के बाद capital V आ गई, ठीक है? Initially rest पे था system और मैंने variable के introduce किया, इसकी velocity capital V to the left मानी, ठीक है? Speed small v of the pistons related to the pipe. Pipe के related small v से ये ऐसे जा रहे होंगे। तो एक वेरिएबल ये स्मॉल वी और फिर क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द पाइप, पाइप को लेफ्ट की तरफ अगर मान लो एक्स शिफ्ट हो रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या। तो तीन वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, क्या स्मॉल वी कैपिटल वी और एक्स। डेफिनेशंस क्लियर है वेरिएबल्स की, इनको सॉल्व करने के लिए अभी तुम्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाना ठीक है, खुद से ट्राई करो इसको। तो डिस्कस कर रहा हूं बस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये है कि केयरफुली बनानी है इक्वेशन, बहुत ध्यान से समझना वेरिएबल कैसे डिफाइंड है। सबसे पहले देखो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बना सकते हैं कि एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस, लॉस इन पी क्या होगा, एच हाइट ये गिर गया तो एम नॉट जी एच इज द लॉस इन पी, दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन के। तो पाइप का क्या होगा, मास एम है वेलोसिटी वी है तो हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर राइट। अच्छा इस पिस्टन का ध्यान रखना, पिस्टन का इस पाइप के रिलेटेड स्मॉल वी है तो ग्राउंड फ्रेम से क्या हो जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी हो जाएगा ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखा, हाफ इंटू स्मॉल वी इंटू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी का होल स्क्वायर। वेयर एज इसका अगर देखोगे पाइप के रिलेटेड वी डाउनवर्ड है और पाइप का कैपिटल वी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या, इसके लिए रूट ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम नॉट इनटू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, इसी में सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, समझ में आया कि नहीं ठीक है। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन क्या होगी, तो अगर मैंने लेफ्ट वर्ड को राइट वर्ड को पॉजिटिव माने तो पाइप का तो माइनस एम वी हो गया राइट, तो माइनस कैपिटल एम इनटू कैपिटल वी पाइप का मोमेंटम हो गया, राइट वर्ड को पॉजिटिव माना होगा ठीक है। प्लस स्मॉल एम के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एम के लिए ये वी माइनस कैपिटल वी, तो ये स्मॉल एम के लिए स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी ठीक है। और एम नॉट के लिए हॉरिजॉन्टल में देखो खाली कैपिटल वी पीछे की तरफ है तो एम नॉट इनटू माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, तो ये मेरी मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई ठीक है। तीसरी सी कॉम की इक्वेशन बनानी है, मतलब ठीक है इन दोनों से तो स्मॉल वी कैपिटल वी निकल ही जाएगा अगर पूछा होता तो। सेंटर ऑफ मास कितना, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट जीरो होगा, उसका यूज करके मैं क्या इक्वेशन बनाता हूँ सी कॉम की। तो मान लो ये x शिफ्ट हुआ या राइट की तरफ मानते हो तो राइट मान लो, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम इंटू एक्स ठीक है, और सॉरी इसका x लेफ्ट वर्ड माना ना, लेफ्ट वर्ड इंट्रोड्यूस किया मेरे ख्याल से, x लेफ्ट में अगर तो कैपिटल एम इंटू एक्स और स्मॉल m का क्या होगा, ये अगर h नीचे आया तो ये h पाइप के रिलेटिव इधर गया राइट, पाइप के रिलेटिव ग्राउंड के रिलेटिव क्या हो जाएगा इसका, x इधर और h इधर राइट, तो x माइनस h आएगा राइट, तो वही लिखा हुआ है, तो स्मॉल m इंटू x माइनस h ठीक है। और m नॉट का क्या, पाइप के साथ साथ ही x इधर है तो इसलिए m नॉट इंटू x ठीक है। तो टर्म्स को बहुत ध्यान से देखने का है ठीक है। तो बस अब ये मेरे पास सिस्टम आ गया, इसको स्मॉल x v और कैपिटल v के लिए मैं सिस्टम को सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, कुछ डाउट है तो बोल दो, मेक श्योर यू हैव नॉट मेड एनी सिली मिस्टेक एंड इफ यू हैव मेड इट यू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद योर इक्वेशन ऑलराइट, लेट मी नो। सेकंड इक्वेशन दोबारा से समझा रहा हूँ, राइट वर्ड को पॉजिटिव माना तो कैपिटल m का लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी v है, तो इसलिए इसका मोमेंटम माइनस एम इंटू कैपिटल वी, बिकॉज लेफ्ट वर्ड बिकम्स नेगेटिव राइट वर्ड इज पॉजिटिव राइट। और स्मॉल एम का क्या हो जाएगा, स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, बिकॉज स्मॉल वी इज रिलेटिव टू द पाइप, तो ग्राउंड फ्रेम से स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी हो जाएगा, तो आई एम कंजर्विंग मोमेंटम इन द ग्राउंड फ्रेम। और फिर एम नॉट इंटू माइनस एम नॉट इंटू वी ठीक है, यहाँ पे फ्रेम्स को मिक्सअप नहीं करना, मेक श्योर यू राइट ऑल द वेलोसिटीज फ्रॉम द सेम फ्रेम,
ठीक है, एंड इट शुड बी इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो। नॉन इनर्शियल फ्रेम से मत लिखना, नहीं तो बड़ी अजीब सी चीजें फिर हो जाएंगी, राइट। तब मोमेंटम कैसे कंजर्व करोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो स्यूडो फोर्सेस भी लगने लग जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और कुछ है तो बोल दो, फिर स्टॉप करते आज के लिए। सो ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट थियरम्स पढ़ी, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखी, ऑपोस गिल्डनेस थियरम के एप्लीकेशन देखे, ठीक है। So this is it for today's class, and then in the next class I'm going to discuss center of mass frame, और एक और अच्छे सा फ्रेम होता है जिसको मैं निंजा टेक्निक फ्रेम बोलता हूँ, उसके नाम से सर्च मत करने, बट उससे क्वेश्चन कई आसान होते हैं। तो ये सब चीजें मैं अगली क्लास में मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। ऑल राइट, थैंक यू।